नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस किस तरह से बिखर रही है। ताज मोहिउद्दीन ने भी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान, यहाँ पर फैसला जो है वो हो सकता है, यानी ताज मोहिउद्दीन भी आज यहाँ पर फैसला कर सकते हैं। और गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद एक एक करके इस्तीफों की झड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर लगती हुई नजर आई। इस बीच में देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिखरती जा रही है और 10 जिलों में आजाद समर्थकों को जुटाने की भी योजना अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनाई जा रही है। 4 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठक कर सकते हैं और जब 4 सितंबर को समर्थकों के साथ बैठक होगी तो देखना यह होगा कि क्या अगली पार्टी यहाँ पर बनाने के लिए, गठन करने के लिए कोई ऐलान हो सकता है या फिर रणनीति बन सकती है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर रही है। ताज मोहिउद्दीन भी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों की यानी भाजपा, नयका, पीडीपी को भी ये संदेश यहाँ पर दिया जा सके कि आजाद अभी भी आप देखिए किस तरह से अपनी पैठ जो है वो बना सकते हैं। और पूरी तरह से अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बहुत ही जल्द पार्टी के गठन की बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि पहले ही अटकलें ये लगाई जा रही थी कि एक नई पार्टी गुलाम नबी आजाद बना सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि 4 सितंबर को जो समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठक होगी उसमें क्या पार्टी को लेकर चर्चा होगी या आगे की किस तरह से रणनीति रहेगी इस पर चर्चा होगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिलाल। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए कांग्रेस पार्टी जैसे ही आजाद ने छोड़ी है उसके बाद एक एक करके इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। आज ताज मोहिउद्दीन की भी बात सामने आ रही है कि ताज मोहिउद्दीन भी पार्टी जो है वो छोड़ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद जो गुलाम नबी आजाद के हामी तस्वर किए जाते हैं उनकी जनब से कांग्रेस का दामन छोड़कर गुलाम नबी आजाद का जो साथ है देने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जराय के हवाले से खबर मिल रही है कि आज साबिका वजीर जो कांग्रेस के अंदर एक सीनियर लीडर की हैसियत से भी काम कर रहे थे चौधरी ताज मोहिउद्दीन, उनके इस्तीफे के बारे में भी अभी खबरें जो है वो गश्त कर रही हैं। हालांकि उनके क्लोज जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि वो अब कांग्रेस से किनारा कशी करेंगे। लेकिन अभी तक जो चौधरी ताज मोहिउद्दीन है उनकी जानब से इस हवाले की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि जो 4 बजे या 4:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है वो उसी वक्त ही देखा जा सकता है। और हिलाल, जिस तरह से अलग अलग बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि जब 4 सितंबर को बैठक होगी वहां पर जवाब दिया जा सकता है गुलाम नबी आजाद की तरफ से? जितने भी विरोधी हैं जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर एंट्री और कांग्रेस से इलाहदी के बाद कांग्रेस के अंदर से बहुत सारे लीडरान जो है वो गुलाम नबी आजाद का साथ दे रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस के वो लीडरान बल्कि दीगर कुछ जमातों के लीडरान भी अभी गुलाम नबी आजाद के टच में बताए जा रहे हैं और एक बड़ा फोर्स जो है, एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स गुलाम नबी आजाद की सूरत में जम्मू कश्मीर के अंदर उभरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ साथ अलग अलग पार्टियों को भी झटका लग सकता है कि वहां से भी कुछ लोग निकलकर आजाद के साथ यहां पर शामिल होंगे? बिल्कुल मुमकिन तौर पर मुतअद्दिद जमातें, खासतौर पर अपनी पार्टी के कुछ लीडरान और पीसी के कुछ लीडरान जो अगरचे फर्स्ट रो के नहीं है, फर्स्ट लाइन के नहीं है, लेकिन जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लीडरान है वो ऐसा लग रहा है कि वो इनके साथ जो है गुलाम नबी आजाद का दामन थाम कर एक बड़ा फोर्स की सूरत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उभर कर सामने आ सकता है। और क्या लगता है हिलाल की नई पार्टी का गठन होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिस तरह से उसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है? हिलाल, मेरी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल शायद हिलाल से हमारा संपर्क जो है टूट गया है, लेकिन जितनी भी बात हिलाल ने यहां पर सामने रखी है उनका साफ तौर पर कहना है कि गुलाम नबी आजाद के टच में यहां पर कई लीडरान देखे जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से भी बातचीत यहां पर चल रही है। तो कहने वाली बात यहां पर यह है कि आप देखिए जिस तरह से एक जनाधार यहां पर गुलाम नबी आजाद बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती अलग अलग पार्टियों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, हो सकता है कि अलग अलग पार्टियों को भी झटके जो है वो देखने को
मिले, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अगर नेता गुलाम नबी आजाद के साथ टच में हैं तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पुंछ आपको लिए चलेंगे, जहां पर आपको दिखाते चले कि किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं। भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर सरहदी जिला पुंछ में यहां पर उत्साह का माहौल देखा गया है और रविवार को यहां पर फंडे बनाने की तैयारियों में पूरी तरह से लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्रिकेट एशिया कप का आज पहला दिलचस्प मुकाबला होगा और मुकाबले के साथ साथ किस तरह से आम लोग जो हैं वो जुटते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर सरहदी जिला पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जिला पुंछ की ही बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो हर कोई नजरें गड़ाकर टीवी के बिल्कुल सामने बैठता है कि आखिर किस तरह से जो परिणाम है वो सामने रहेगा। और संडे को फंडे बनाने की तैयारियों में पूरी तरह से यहां पर लोग जो हैं वो जुट गए हैं। क्रिकेट एशिया कप आज यहां पर होगा और उसके मुकाबले को देखने के लिए पूरी तरह से तैयारियां यहां पर कर ली गई है। लेकिन क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, पहले वो देखिए। पहले तो यही कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है बहुत ही ज़्यादा लोगों में रोमांच होता है और बहुत ही रोमांच भरा होता है। बाकी कल संडे है, एतवार का दिन है, तो हम भी बिजनेसमैन लोग जो दुकानदार लोग होते हैं या नौकरी पेशा लोग होते हैं वो संडे के दिन ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, घर में ही बिताते हैं। तो कल मैच होगा तो संडे का दिन जो है बहुत ही जोश भरा होगा। बाकी मैं सभी अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि इस मैच को मैच की तरह ही लें, ना कि दिलों में नफरत वगैरह रखें, तो अच्छे से मैच देखें, इंजॉय करें। बाकी जीत हार जो है वो बाद की बात है। दो खिलाड़ी जब आपस में बढ़ते हैं एक तो हारता ही है तो एक तो जीतता ही है, तो जीत हार जो है वो जीत हार की तरह ही लेनी चाहिए। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि इंजॉय करें और अच्छे से जो है संडे के दिन को इंजॉय करें। आप मीडिया की माध्यम से तमाम अपने भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहूँगा कि इस मैच को देखें और इस मैच को एंजॉय के तौर पे देखें, एंजॉय करें। बाकी जो स्पोर्ट्स में कोई भी गेम है, चाहे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कुछ भी है, उसमें एक टीम जीतती है, एक हारती है। तो इसमें अगर कोई भी टीम जीतती है या हारती है, इसमें कोई गलत सेंस ना लें, गलत व्यू ना दें या किसी को टीच मत करें, किसी को तंग मत करें। तो एक एंजॉय के तौर पे इस मैच को देखें और एंजॉय करें। अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह माहौल रहता है कि टीवी ऑन रहते हैं, फ़ोन वगैरह ऑन होते हैं, कहते हैं कि आज हमारे देश का मैच है जी, आज इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच है, सब अपना कारोबार छोड़ के मैचेस देखते हैं कि आज मैच है ये वो, लेकिन छुट्टी भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं तो कल कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं कल मैच देखूँगा, पूरा इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखूँगा। तो चलिए, आपने देखा कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था कि रोमांचक मुकाबला होने वाला है और वो अपना सारा कामकाज छोड़कर ये मैच देखने वाले हैं। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, किस तरह से तैयारियां की गई हैं लोगों की तरफ से, काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में? जी बिल्कुल आशा, लोगों के बीच बहुत ज्यादा जो है वो खुशी देखी जा रही है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो मैच खेला जा रहा है, उसको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पहुंच के लोग जो है भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो इसको बड़ी ध्यान से जो है वो देखते हैं। और आज भी हमने देखा कि पहुंच मार्केट जो है ज्यादातर मार्केट बंद है, लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच शुरू हो, जब भारत पाकिस्तान को ये इस मैच में हराए तो हम जो है बम पटाके जो है वो फोड़ें। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पुंछ से इस तरह के जो खुशी है वो देखी जाती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जब भी तो हमारे पुंछ में इस तरह से आतिशबाजी की जाती थी कि पाकिस्तान तक इस आतिशबाजी की आवाज जाती है। सिर्फ 13 किलोमीटर ही दूर है हमसे पाकिस्तान, तो हमारे पुंछ के जो लोग हैं, चाहे वो एलओसी पर रहने वाले लोग हों, वो भी इस मैच को बड़े जो है महत्वपूर्ण समझते हैं। और ये आज मैंने जब लोगों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि इस मैच को एक मैच की तरह ही देखा जाए, ये नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, उस तरह से इस मैच को ना देखा जाए। पर लोगों में बहुत ज्यादा खुशी देखी जा रही है, मार्केट पूरी बंद है और लोग अपने घरों में हैं। चाहे मैच जो है वो शाम को शुरू होना है, पहले से ही लोग जो है अपनी टीवी लगाकर जो है देख रहे हैं कौन कौन से प्लेयर जो है। दो टीमों के बीच में अगर मुकाबला होता है तो जीत हमेशा एक ही होती है और एक को हारना होता है, तो ये नियति है। लेकिन क्या लगता है कि किस तरह से आज उत्साह जो है वो लोगों में है, क्योंकि पहले तो आपने पूरी बात सामने रखी है।
बिल्कुल आशा लोगों में उत्साह जरूर है इस मैच को लेकर, पर लोगों में ये जो हमारे पूंछ पर एलओसी पर रहने वाले लोग हैं इस मैच को इस तरह से देखते हैं जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है उस तरह से देखते हैं। और अक्सर हम देखते हैं जब भी भारत पाकिस्तान से जीता है तो हमारे पूंछ में ढोल नगाड़ों के साथ बम पटाखे जो है वो फोड़े जाते हैं और बहुत खुशी जो है पूंछ में मनाई जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरहदी जिला पुंछ की अगर बात करें तो लोगों में आज के मैच को लेकर काफी उत्साह है और लोगों ने काफी तैयारियां भी कर ली हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना काम छोड़कर पूरी तरह से मैच देखने के लिए यहां पर उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पीएचई के हवाले से एक बड़ी खबर बता देते हैं जिसमें आप देखिए डेली वेजर्स तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जम्मू शहर में 30% मुलाजिम यहां पानी की सप्लाई को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं ये आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि पीएचई डेली वेजर्स की हड़ताल के बावजूद दिन रात यहां पर ये लोग एक कर रहे हैं और 22 जून से काम छोड़ हड़ताल पर पीएचई डेली वेजर्स हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू शहर में 30% मुलाजिम पानी की सप्लाई कर रहे हैं और पीएचई डेली वेजरों की जो हड़ताल चल रही है उसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कुछ मुलाजिम ऐसे भी हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं और 22 जून से काम छोड़ हड़ताल पर ये पीएचई के डेली वेजर्स हैं। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल की उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी है और ये चेतावनी भी उन्होंने एलजी प्रशासन को दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो धरना प्रदर्शन से उठने वाले नहीं है। लेकिन इस बीच में जो लोगों को समस्याएं पेश आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए 30% मुलाजिम यहां पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं और पीएचई डेली वेजर्स की जो हड़ताल चल रही है उसे मद्देनजर रखते हुए ये यहां मुलाजिम जो है वो दिन रात एक करते हुए नजर आए हैं। 22 जून से ही काम छोड़ हड़ताल पर यहाँ पीएचई के डेली वेजर्स हैं लेकिन उसके बावजूद लगातार आप देखिए 22 जून से ही किस तरह से यहाँ पर काम इन मुलाजिमों की तरफ से किया गया है ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े क्योंकि गर्मी का मौसम है जिसमें पानी की काफी जरूरत है और किल्लत भी रहती है। लेकिन इस बीच में काम किस तरह से 30% मुलाजिमों की तरफ से किया गया है इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं, पीएचई हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, इन्हीं से जानेंगे। राजकुमार जी जरा बताइए जिस तरह से 22 जून से लगातार पीएचई के डेली वेजर्स जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर हैं लेकिन आप लोगों की तरफ से सप्लाई की जा रही है, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल ठीक, देखिए ये स्ट्राइक जो की है इन्होंने, हेलो आवाज आ रही है राजकुमार जी? हाँ जी आ रही आ रही आ रही। बताइए किस तरह से काम चल रहा है क्योंकि 30% मुलाजिम पानी की सप्लाई कर रहे हैं, 22 जून से ही डेली वेजर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। देखिए 22 जून के बाद जो डेली वेजर पूरे हड़ताल पर हैं लेकिन हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जिनमें हमारे इंजीनियर वगैरह भी वो भी पूरे फील्ड में हैं जिसकी वजह से हमारा पानी जो है आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए हेलो आ रही भाई जी। देखिए 22 जून के बाद ये जो पानी की सप्लाई चल रही है ये हमारे परमानेंट जो एम्प्लॉइज हैं ये वही काम कर रहे हैं तो पानी थोड़ा बहुत जो मिल रहा है उनके साथ हमारे इंजीनियर वगैरह भी जो हैं जेई वगैरह एडब्ल्यू वगैरह वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं तभी हमारा जो पानी है वो थोड़ा बहुत जो चल रहा है। इस वक्त है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं क्योंकि लगातार आप देखिए जल शक्ति विभाग के जितने भी डेली वेजर्स हैं अलग अलग ट्यूबवेल्स पर काम करते हैं लेकिन अब हड़ताल पर हैं तो जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि ये जो स्ट्राइक है जिनकी ये जो डिमांड है इनकी इन पर भी गौर करें, अगर इनको परमानेंट नहीं करना है तो उनको वो जो मिनिमम वेजेज है एक्ट उसी के तहत इनको इनकी जो है मांग पूरी करें ताकि जो सप्लाई जो पानी की है जिसकी वजह से त्राई त्राई मची हुई है पूरे शहर में वो जो हाल करें। और क्या लगता है कि एलजी प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया क्योंकि कई मीटिंग्स भी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन मीटिंगें हुई हैं हमने सुना है, हमारे साथ भी मीटिंग हुई थी लेकिन हमें लगता नहीं अभी कोई बातचीत इनकी वो बन पाए लेकिन सरकार जो है वो अपने मूड पे अड़ी हुई है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डेली वेजर जो हैं ये भी अपने ही लोग हैं हमारे लोकल लोग हैं ये बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका जो मिनिमम वेजेज एक्ट जहाँ इनको परमानेंट जो है वो जरूर करें ताकि जितनी सारी स्कीमें जम्मू कश्मीर में हमने लॉन्च की हुई हैं ये सारी की सारी स्कीमें जो हैं प्रोजेक्ट जो हैं यही लोग चला रहे हैं
परमानेंट एम्प्लॉय तो हमारे पास है नहीं, इतने 30-32 घंटे लोग हैं वो कितना काम कर पाएंगे। लेकिन जितनी स्कीमें, जितने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं हमारे पीएचई में, ये यही डेली वेजरी चला रहे हैं। ये मैं बता दूं, सरकार को भी पता है इस बात का, लेकिन पता नहीं सरकार हाल भी यही था राजकुमार जी, क्योंकि 30% मुलाजिमों से काम नहीं होने वाला है। देखिए लाखों की तादाद में जनता है जिसे काफी जरूरत है पानी की, और कोई भी काम बिना पानी के घर के अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह से काम छोड़ हड़ताल की गई है तो गौर फरमाने की जरूरत थी प्रशासन को। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग भी सड़कों पर ना आ जाएं। आज सुबह मैंने दौरा किया रिहाड़ी कॉलोनी का, वहां पर भी पानी की त्राही त्राही मची हुई थी, लेकिन लोग जो हैं अब वो भी, मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर लोग भी बाहर आ जाएंगे, और सरकार को हो सकता है मजबूर होकर कोई फैसला लेना पड़े। लेकिन मैं अपील करता हूँ सरकार से, फिर ये कोई बड़ा मसला नहीं है कोई डेली बेसिस का, इसको तुरंत हल करना चाहिए ताकि इनका भी परिवार जो है वो भी भुखमरी पर आ गया है। लेकिन काफी सारे मुलाजिम जो हैं डेली बेसिस मुलाजिम है, बिना पेंशन के रिटायर हो गए हैं, बिना परमानेंट के रिटायर हो गए हैं। मैं अपील करता हूँ सरकार से इन पर भी गौर करें। यानी ये कहा जा सकता है कि जितने भी परमानेंट मुलाजिम है वो भी अपना समर्थन इन लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा? देखें हम तो इनको समर्थन देंगे ही देंगे, लेकिन लोग भी पूरे, मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर अंदर लोग भी इनके साथ सड़कों पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राजकुमार जो कि चेयरमैन हैं वो बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से उन्होंने एक बात सामने रखी है कि किस तरह से डेली वेजर्स के समर्थन में अलग अलग पार्टियों के लोग भी देखे गए हैं, और जो परमानेंट मुलाजिम है वो भी समर्थन में है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि कुछ समय के बाद आम जनता भी इनके समर्थन में रोष प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। ये साफ तौर पर कहना है राजकुमार जी का, और अब इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार आप देखिए किस तरह से पुंछ से एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बीच में रामबन से आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल की लापरवाही काफी तरीके से भारी पड़ सकती है, और लापरवाही की वजह से लंपी स्किन के मामले पूरी तरह बढ़ सकते हैं। चारों ओर फैली हुई गंदगी की वजह से मवेशी जो है वो यहां पर किस तरह से मंडरा रहे हैं, और साफ तौर पर आपको ये बताते चलें कि लंपी स्किन से बचने के लिए आपको साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उस बीच में आपको ये बताते चलें कि आप देखिए साफ सफाई का कितना ख्याल जिला रामबन के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, और लापरवाही से जिले में एक लंपी स्किन के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। रामबन में म्युनिसिपल काउंसिल की लापरवाही लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल को चाहिए कि साफ सफाई की तरफ ध्यान रखा जाए, लेकिन ध्यान रखने के बावजूद भी आप देखिए किस तरह से काम जो है वो जिला रामबन के अंदर हो रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए जानवर किस तरह से यहां पर गंदगी को खाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लंपी स्किन ने अपना कहर बरपाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हालात हैं तो आप देखिए कितनी भयावह स्थिति जो है वो आने वाले समय में आ सकती है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी लोग हैं टीमों का गठन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला रामबन के अंदर किस तरह से म्युनिसिपल विभाग काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता जा रहा है। क्योंकि वेटनरी डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लंपी स्किन जो है वो गंदगी की वजह से भी फैलता है, मक्खी और साथ ही साथ मच्छरों के काटने से फैलता है, लेकिन अगर अपने आसपास साफ सफाई रखी जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और लगातार आप देखिए जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक घातक महामारी का रूप ये धारण कर रही है, लेकिन इससे बचने के लिए साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, जिसमें जिला रामबन के अंदर भी म्युनिसिपल विभाग को काम करने की जरूरत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से म्युनिसिपल विभाग जो है वो काम कर रहा है। अब यहां गौर फरमाने वाली बात है कि एक तरफ आप देखिए वायरस पूरी तरह से फैल रहा है, लंपी स्किन की जो बीमारी है वो फैल रही है, लोगों का ये कहना है कि ये वायरस की तरह आया है और वायरस की तरह ही यहां पर फैल रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से किस तरह से काम होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर आप देखिए दूध को लेकर पहले जो कश्मकश का माहौल बना उस पर कहीं ना कहीं मुहर जो है वो डॉक्टरों ने लगाई कि आप बिना हिचकिचाते हुए दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाल कर उसका दूध पी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है जिला रामबन के अंदर वो देख लीजिए। हमारी प्रेसिडेंट है, हमने भी उनसे 10 दफा कहा कि भाई आइए बैठिए हमारे साथ, लेकिन हमारी जो पिछले 4-5 महीनों से हमारी एक भी सिटिंग नहीं हो रही है म्युनिसिपलिटी के अंदर। अगर काउंसिल अपनी फरियाद सुनाए तो किसको सुनाए, अगर हाउस चले हम कम से कम अपनी ये डिमांड रखें कि जनाब अपने जो हमारी चेयरमैन है या अपनी प्रेसिडेंट है उसको हम बोलते हैं बार बार कि मैडम जी आप हर महीने में 3 या 4 दफा हाउस लगाइए, जो हमारी प्रॉब्लम्स या लोगों की प्रॉब्लम है वो जो आप तक पहुंचाएंगे, आप उसको हाई अथॉरिटीज हमारे डीसी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वहां तक पहुंचाइए।
लेकिन हमारी जब मीटिंग्स नहीं होगी, जो हमारी कमेटी है जो सात के सात मेंबर और हमारे छः मेंबर और एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जब तक बैठेंगे नहीं, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे मसले को, तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आम लोगों का भी कहना है कि जाहिर तौर पर इस पे काम करने की जरूरत थी, मीटिंग्स करने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से लंपी स्किन की बीमारी जो है वो लगातार फैलती जा रही है, लेकिन जिला रामबन के अंदर जो काम होना चाहिए कितना किस तरह से हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज होती है वहां पे हमारे पास दो बॉडीज काम करने वाले थे। एक तो वो जो ऑफिसरान होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग होते हैं जो लोगों से वोट हासिल कर काम करने की बातें करते हैं। हालांकि लोगों का तो अक्सर ये रहता है कि जरा नहीं, सरकार ऑफिसरान काम नहीं करते हैं, फिर लीडर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के उनके बीच पहुंचते हैं कि काम हम करेंगे। लेकिन रामबन कस्बा के अंदर की जब आप बात करेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल रामबन के अंदर, क्योंकि एक तरफ लंबी स्किन की जहां हम बात करें, डिजीज चल रही है, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहता, जब भी कहीं बीमारी कोई अगर जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं गंदगी इस चीज का काज रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डस्टबिन पे हम देख रहे हैं कि जो माल मवेशी है बाजार में वो अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि लंपीज जो स्किन डिजीज है उसको यहाँ पे रामबन में कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। कितने मामले अभी तक जिला रामबन के अंदर लंपीज स्किन को लेकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस तरह से आलोदगी अगर हर तरफ रहेगी, बाजार के अंदर आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम भी, क्योंकि जानवरों की बात नहीं करें, इंसानों के अंदर भी कहीं तरह की बीमारियां जन्म ले सकती है, क्योंकि जब रामबन कस्बा के अंदर दौड़ते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल रामबन के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक है। डस्टबिन पे आप देखेंगे तो डस्टबिन क्यों आखिर लापरवाही बरती जा रही है, म्युनिसिपल काउंसिल इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ के कुछ इलेक्टेड लोगों से जब हमने बात की, उनका ये कहना था कि एक प्रॉपर वे में मीटिंग्स होनी चाहिए थी, जो भी कॉर्पोरेटर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे बिल्कुल फीडबैक लेना चाहिए था, उनके जो सजेशंस लेनी चाहिए थी कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें हैं। लेकिन जब उन तमाम चीजों का बालाए ताक रखेंगे, उन पर आप ध्यान देंगे नहीं, सिर्फ लोगों से वोट हासिल करने के बाद आप सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बाजार की साफ सफाई पर आप ख्याल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो सरसब्ज बाग दिखाने तो लोगों के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन और पार्षदों का आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से ये खामियाजा आम जनता वहां पर भुगत रही है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इस चीज को देखना होगा कि अगर कहीं गैप है तो उस गैप को कम करने के लिए हमारे पास एक इलेक्टेड बॉडी है और उसके कुछ जिम्मेदारान है। हालांकि हमने देखा था कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद दो साल तक लगभग तेजी से डेवलपमेंट हुई रामबन में, देखा कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर बनाया गया है, लेकिन आज की डेट में उस ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ड्रेन्स बन गई थी जनाब, उनमें पानी तो बहेगा लेकिन वो ब्लॉक है, उनको ब्लॉकेज को जो है क्लियर करना है। ड्रेनेज सिस्टम जो है अगर उसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में किया जाएगा, कूड़ादानों को अगर हर डेली बेसिस पे वहां से थोड़ा करके हटाया जाएगा तो बाजार को एक साफ मतलब काम करने की जरूरत है म्युनिसिपल विभाग को। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से म्युनिसिपल विभाग को काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को यहां पर आने वाले समय में काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल लंपी स्किन को लेकर नदीम का कहना है कि अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार आप देखिए सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अब यहां लोगों का आंदोलन तेज हो गया है। राजपूत सभा की तरफ से यहां पर भी आंदोलन, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर आकाश की ये मांग कर रहे हैं, और सांबा शहर के साथ साथ गांव तक ये आंदोलन अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और मांग पूरी न होने की वजह से आप देखिए लोगों में कितना गुस्सा है। और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को हुआ था, और जम्मू में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन 26 अप्रैल 1961 को 65 साल की उम्र के दौरान यहाँ पर हो गया, और महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था। महाराजा हरि सिंह के पिता का नाम अमर सिंह और माता का नाम यहाँ भोटियाली शिव था। और आपको ये बताते चलें कि अब इनके यहाँ पर जन्म दिवस की छुट्टी की ये मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर रियासत में अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह की आज के दौर में आप देखिए किस तरह से पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन उस बीच में किस तरह से काम यहाँ पर राजपूत सभा की तरफ से किया जा रहा है। पहले जम्मू के अंदर ये आंदोलन तेज होता हुआ नजर आया, लेकिन अब जिलों के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन पहुंचता हुआ
नजर आ रहा है। 23 सितंबर 1923 को यहां हरि सिंह जम्मू और कश्मीर के नए महाराजा बने, लेकिन उसके बाद जब यहां आप देखिए राजपूत सभा की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि जब तक छुट्टी यहां घोषित नहीं की जाएगी तब तक ये लोग इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन इसी पर किस तरह से प्रशासन ने काम किया है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू के अंदर आंदोलन जो है वो शुरू होता है, लेकिन अब पहुंचते पहुंचते आप देखिए हर जिले के अंदर किस तरह से दस्तक जो है वो अपनी दे रहा है, किस तरह से वहां पर सूरत हाल जिला सांबा के अंदर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर लगातार यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि जो पिछले कई वर्षों से ये लगातार मांग टूल पकड़ रहे, लेकिन इसके ऊपर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया या पिछले सरकारों ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, और उसी के चलते इस बार का जो आंदोलन है ये एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। पहले जम्मू जो है वो हेडक्वार्टर तक सीमित रहता था, लेकिन आज अगर हर एक जिला की बात करें तो हर एक जिला में ये आंदोलन धूल पकड़ रहा है छुट्टी को लेकर। और बात करें राजपूत सभा के साथ साथ तमाम अगर सामाजिक संस्थाओं की बात करें या कुछ विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें या फिर तमाम ऐसी सभाएं हैं जो राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, तो उन्होंने इस बार हुंकार भर दी है कि छुट्टी जो हम लेकर रहेंगे। जिसको लेकर जिला सांबा की अगर बात करें तो गुड़ा सलाथिया इलाका जो शूरवीरों की धरती कहा जाता है, तो गुड़ा सलाथिया के लोगों ने भी कह दिया कि अब गुड़ा सलाथिया भी मैदान में है और हम भी छुट्टी के संघर्ष में लगातार अपनी एक आहुति देने जा रहे हैं। क्या लगता है क्यों आखिर इतनी ढिलाई बरती जा रही है इस मामले को लेकर? देखिए ढिलाई को लेकर बात करें, अब क्या कुछ किस तरह का रवैया लेकर प्रशासन चल रहा है ये तो प्रशासन ही बेहतर तरीके से जान सकता है, ये आप भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार चेताने की कोशिश तमाम सभा द्वारा की गई है, और कहीं ना कहीं अब गुड़ा सलाथिया के इलाके के लोगों की बात करें तो उनका भी गुस्सा साफ तौर पर जो वो छलकता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सारी उम्मीदें थी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमने यकीन दिहानी कर वोट भी डाला, लेकिन जम्मू के सेंटिमेंट्स को वो नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आज ये जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, जब ये विपक्ष में थी तो तभी छुट्टी को लेकर लगातार आंदोलन करती थी, बम वक्त जो वो सबको याद कर लेना चाहिए, और उसी को लेकर आज जब केंद्र में भाजपा सत्ता में है, यहाँ पर भी सत्ता में रह चुकी है भाजपा, तो इंडायरेक्टली अगर देखें तो जो एलजी प्रशासन को लेकर बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये एलजी है, इसको लेकर भी तरह राजपूत सभा के लोगों का ही साफ तौर पर आरोप था कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई गई थी और एक उम्मीद रखी गई थी कि महाराजा के जन्म दिवस को लेकर छुट्टी घोषित होगी, लेकिन अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की गई है, एक सवालिया निशान भाजपा पर, जो सरह से आपने खुद भी कहा है कि वो दाग दिया गया है राजपूत सभा की तरफ से। देखिए बिल्कुल लगातार ये सवाल दागे जा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है राजपूत सभा के सदस्यों का कि कुर्सी जो वो किसी की सगी नहीं होती, कुर्सी आज है कल नहीं है, तो कल यही नेता दोबारा से अगर छुट्टी अनाउंस नहीं होती है तो यही नेता हमें छुट्टी के इस आंदोलन में हमें साथ दिखेंगे। लेकिन आज वक्त था कि जम्मू के सेंटिमेंट को लोग समझते, डोगराओं के सेंटिमेंट को समझते, डोगरा शासक आखिरी थे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के, उसके बाद भी अगर छुट्टी अनाउंस नहीं होना तो ये बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने जो 26 अक्टूबर की छुट्टी जो वो अनाउंस की थी, जो विलय दिवस के रूप में दी गई थी, उसको लेकर एक छुट्टी जो वो कश्मीर रीजन से भी काटी गई थी, तो इसको भी समझना होगा। लेकिन महाराजा जी के क्या मायने हैं ये एक बुजुर्ग से लेकर एक बच्चे तक जो वो सबके जुबान पर है, हर कोई जानता है कि कितने सैक्रिफाइस थे, कितने रिफॉर्म्स उन्होंने लाए और जम्मू कश्मीर का भारत देश के साथ लाया, तो ये चीजें हैं जिसको लेकर छुट्टी की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब आप देखिए हुंकार राजपूत सभा जिला सांबा के अंदर भी भर चुकी है, अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से फैसला सामने रखा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।